21 सितंबर को दोस्तों हमारा कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी सब्जेक्ट का पेपर है त्रैमासिक परीक्षा का लगातार दोस्तों, इसलिए मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। ओके, पार्ट एक वाली वीडियो आ चुकी है। पार्ट एक वाली वीडियो में दोस्तों आपको दो अंकीय महापुरुष ने उत्तर के साथ बता दिए हैं। ओके, पार्ट दो है, इसमें दोस्तों हम आपके तीन अंकी और चार अंकी वाले महापुरुष उत्तर के साथ देखेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा कम समय है आपके पेपर के लिए, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को देखते ही आप क्या क्वेश्चन के सॉल्यूशन तैयार करते जाइएगा। ओके, वस्तुनिष्ठ के लिए कहेंगे तो अलग से उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देख लेते हैं तीन अंकी वाले महापुरुष। पहला है, माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहा जाता है? ऊर्जा घर का है या पावर हाउस का है, क्योंकि बिजली घर का है, किसी इस प्रकार से लेकर कहा जाता है। तो देख लेते हैं कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर ग्रह या पावर हाउस क्यों कहा जाता है। तो कोशिका की जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में एटीपी के अंदर स्थित फास्फेट समूह के उच्च ऊर्जा बंध के रूप में माइटोकांड्रिया में संचित होती है। जो कोशिका की ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में माइटोकांड्रिया में संचित हो जाती है, और जब भी आवश्यकता पड़ती है तो ऊर्जा की, तो यहाँ से ऊर्जा मिल जाती है, इसलिए इसे क्या है, माइटोकांड्रिया की शक्ति ग्रह, पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रोक्रियोटिक व यूकेरियोटिक कोशिका में तीन अंतर लिखिए। दोस्तों देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक कोशिका में तीन अंतर आपको बताना है। तो ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, ये पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे दोस्तों आपके पॉइंट वाइज पॉइंट बताए गए हैं। आपके प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार आ चुका है, 22 बार से परीक्षा में भी कई बार क्वेश्चन आया है। ओके, तो अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है, जैसे आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, सात आपको अंतर दिए हैं, कोई भी आपको है 3 से 4 आप तैयार करके रखिएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र अच्छे से सीख लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर इनमें से कोई ना कोई एक ना एक आता ही रहता है। तो आपको पादप कोशिका का यहाँ पर डायग्राम ये दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, आप यहाँ आपका नामांकित चित्र में इंग्लिश से आपके नाम दिए हुए हैं, तो आप क्या है, हिंदी वर्जन देख लीजिएगा, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। ओके, पादप कोशिका नामांकित चित्र, तो आप जो क्या है इसके नाम तैयार कर लीजिएगा। ओके, नामांकित चित्र तैयार करना है, इंग्लिश में तो होंगे नहीं, तो आप हिंदी में आप देख लीजिएगा। ओके, फिर आपका जंतु कोशिका इस प्रकार से रहेंगे, तो जंतु कोशिका का नामांकित चित्र इस प्रकार से दिया हुआ, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। इसी शॉर्ट इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए, बाकी इनके जो नेम है उनके, इनके पार्ट के, वो आपको क्या है नेट से सर्च कर लीजिए इनके। ओके, हिंदी ट्रांसलेट या गूगल पर आप सर्च कर लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा जंतु कोशिका पादप कोशिका का चित्र। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में तीन अंतर लिखिए। इसे देख लेते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तीन अंतर आपको बताने हैं। दोस्तों आपका ये दिया हुआ पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ओके, पांच पॉइंटों के आधार पर क्या है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताया जा रहा है। कोशिका भित्ति, हरित लवक, लाइसोसोम, सेंड्रोसोम, रिक्तिका, इन पॉइंटों के आधार पर ये पादप और जंतु के आपका कोशिका में अंतर दिया हुआ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, अंतर तैयार कर लीजिएगा। अभी जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी सिलेक्टेड है, सभी प्रीवियस ईयर में आ चुके होंगे, इनमें से अक्सर रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको तैयार कर लीजिएगा, अभी मेहनत कर लेते हैं, वार्षिक परीक्षा के लिए हो जाएगा आपका। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के तीन कार्य लिखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये दोस्तों आपका त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर में आया था। ओके, प्रोटीन के तीन कार्य लिखिए, तो ये आपका दिया हुआ है प्रोटीन के कार्य। ओके, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ये आपके क्रम से दिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर इतना ज़्यादा महत्व इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जो भी टीचर पेपर बनाता है, ओके, तो मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाहते, ओके, अलग से क्वेश्चन नहीं बनाना चाहते हैं, तो वो क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, उन्हीं से सेट क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो इसलिए वो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए आपको क्या है, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने चाहिए। तो प्रोटीन के आपके कार्य दिए हुए हैं, अच्छे से तैयार कर लिए, पॉइंट पॉइंट आपके यहाँ दिए हुए हैं। ओके, एक लाइन के दिया हुआ है कार्य, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, ओके, तो देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मोनेरा एवं प्रोस्टेटा में कोई तीन अंतर लिखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चलिए देख लेते हैं। बाकी दोस्तों जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के आप क्या है, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट anuragasadiclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए anuragasadiclasses.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा, वहाँ से दोस्तों आप क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देख लेते हैं, मोनेरा एवं प्रोस्टेटा में कोई तीन अंतर, दोस्तों आपका ये दिया हुआ है मोनेरा और प्रोस्टेटा में अंतर, बहुत सारे इसमें दिए हुए आपके अंदर, ओके, 7-8 अंतर आपको दिए हैं, तो 3 से 4 आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो भी आपको इजी लगे। ओके, तो आप पढ़ जरूर लेना है आपको, मोनेरा और प्रोस्टेटा में अंतर कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ससीमांश पुष्करम एवं असीमांश पुष्करम में अंतर लिखिए। ओके, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, तो ये आपका दिया हुआ है असीमांश पुष्करम और ससीमांश पुष्करम में अंतर। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, इसमें भी आपके 6-7 आपके अंतर दिए हुए हैं, कोई भी आपके है तो आपको 3 से 4 तैयार कर लेना। ओके, थोड़ा समझ लीजिए क्या कहलाता है, अगर उनके बारे में आप जानते हैं तो अंतर आप आराम से लिख पाएंगे। ओके, तो अच्छे से इनको पढ़ के समझ लीजिएगा और अंतर भी तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, किन्हीं तीन कारणों को लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। जब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊं तो आप क्या है सीन शॉट आप लिए करिए, या फिर दोस्तों आपको वीडियो को पोस्ट करके आप क्या है वो याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों का वर्गीकृत क्यों किया जाता है, किन्हीं तीन कारणों को आपको लिखना है। सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, जीवों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है, तीन कारण बताने, ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए। जैसे पहला है जीवों की सरलता से पहचान हेतु, अन्य स्थानों के जीवों का अध्ययन हेतु, जीवांशों के अध्ययन हेतु, समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है जबकि सभी जीवों का पृथक अध्ययन असंभव है। ये सब पॉइंट दिए हैं जिसे बताया गया है कि जीवों का वर्गीकृत क्यों किया जाता है। ओके आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही क्वेश्चन सेम आपको है क्लास 12th में मिलेगा, इसलिए अभी से आप तैयार कर लीजिए। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, अच्छे से इसे आपको तैयार कर लेना है। एक प्रारूपी पुष्प का नामांकित चित्र, ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th में भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए अभी से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्लास 12th में आपको फायदा रहेगा। ओके कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलेनेसी कुल के तीन लक्षण बताइए या लिखिए। सोलेनेसी कुल के आपको तीन लक्षण बताने, तो ये आपके दिए हुए लक्षण इन्हें आपको क्रम से तैयार कर लेना है। सोलेनेसी कुल के आपके ये लक्षण दिए हुए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके आगे आपका देख लेते हैं। इसके आगे आपके ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो कि छह पॉइंटों के माध्यम से बताया गया है सोलेनेसी कुल के लक्षण को, तैयार अच्छे कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री तने में कोई तीन अंतर लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ में कोई तीन अंतर लिखिए। तो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री तने, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री जड़ में अंतर आपको तैयार करके रखना है। तो ये आपके दिए हुए एक बीजपत्री तना और एक द्विबीजपत्री तना में अंतर, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फास्ट ये, और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जी। हमारा हो जाता है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं, इसके आगे आपका दिया हुआ एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री जड़ में कोई तीन अंतर, तो ये आपके अंतर दिए हुए हैं, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री जड़ में अंतर तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार एवं उनके कारणों का वर्णन कीजिए। चलिए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देख लेते हैं, उसके कार्य देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये दिया हुआ, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार और उसके आपको क्या करना है कार्य बताने हैं। तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में दिया है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये दोस्तों आपका दिया है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ओके आगे देख लेते हैं। आगे इसके फिर आपको क्या बताने हैं, इसके आपके कार्य देखने हैं, तो कार्य देख लीजिए क्रम से। ओके ये पहले प्रकार बताया है, तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड होता है, ऑग्लिक सैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। ओके फिर इसके बाद कार और इसके महत्व आ जाते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट के कार और महत्व, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके मैंने इसका कार होता है, जो हमें शक्ति मिलती है शरीर में, ऊर्जा लगती है, वो कार्बोहाइड्रेट के कारण लगती है। ओके तो ये आपका दिया हुआ है आपके कार और महत्व, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे दोस्तों देख लेते क्वेश्चन। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले व बंद संवहन तंत्र में अंतर लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका ये दिया हुआ खुला संवहन तंत्र और बंद संवहन तंत्र है, पुल भी कह सकते हैं। तो ये आपका दिया हुआ एक पॉइंट, पहला भी पॉइंट हो जाता है, इसे देख लीजिए। ओके इसके आगे हम पॉइंट देख लेते हैं। तो इसके आगे आपको ये दिया हुआ है दूसरा पॉइंट। ओके इसके बाद दोस्तों आपका ये दिया हुआ है तीसरा पॉइंट, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम देखेंगे चार अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के, जिसमें हमारा किण्वन क्रिया को स्पष्ट कीजिए, किण्वन की क्रिया की चार महत्व। तो ये बार दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है ये पादप में श्वसन वाले चैप्टर से, ओके, और ये आपका सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आप इन्हें अभी मत पढ़िए। ओके फिर डीएनए और आरएनए में अंतर आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। ओके ये आपसे बन जाएगा, सिंपल है, अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम देख लेते हैं श्वसन क्रिया के विभिन्न चरणों को उल्लेख कीजिए। ओके श्वसन क्रिया के विभिन्न चरणों को उल्लेख हम देख लेते हैं। बाकी भाई किण्वन वाला टॉपिक आप ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लेकिन अभी आप नहीं पढ़ना क्योंकि आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ओके त्रैमासिक में श्वसन की क्रिया के विभिन्न चरणों को हम देख लेते हैं। तो श्वसन की क्रिया के विभिन्न चरण आपके इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। श्वसन क्रिया के विभिन्न चरणों का आपको उल्लेख करना है, ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हैं, तो इसके स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, ओके तो कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःश्वसन के समय होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ है, अंतःश्वसन में होने वाले परिवर्तनों को आपको बताना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, अच्छे से आपको तैयार इसे कर लेना है। ये आपका दिया हुआ अंतःश्वसन में होने वाले परिवर्तन, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लसिका और रक्त में क्या अंतर है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारा नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये हमारा दिया हुआ दोस्तों रक्त और लसिका में अंतर, ये इस साइड के जो पॉइंट है आपके, ये आपके हैं रक्त वाले हैं और इस साइड वाले लसिका वाले, होंगे ये आपके, ये साइड रक्त वाले पॉइंट है, लसिका वाले पॉइंट है, ये आपके दिया हुआ है, फास्ट ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ये आपका दो पॉइंट हो जाते हैं यहाँ, दो पॉइंट यहाँ हो जाते हैं। ओके पहले वाली लाइन जो आपकी रक्त की है, दूसरी लसिका की, ओके तो ये आपको ध्यान रखना है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करके रखिएगा। नेफ्रॉन की संरचना देख लेते हैं।
ओके, तो नेफ्रॉन की समझना थोड़ा जटिल है, लेकिन इस प्रकार से थोड़ा प्रयास कर लीजिएगा कहाँ से क्या निकलना है, क्योंकि जरूरी नहीं बिल्कुल परफेक्ट बने, लेकिन थोड़ा बहुत भी आपको पता होना चाहिए। और नामांकन चित्र तैयार कर लीजिएगा, ओके, नामांकन चित्र तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ वक्र की संरचना का एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 11th बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, फाइनल एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो नौगा साड़ी क्लासेस के क्लास 12th बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ मिल जाएगा, जिससे आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं, मानव श्वसन तंत्र आपको देखना है, तो आपको ये दिया मानव श्वसन तंत्र के बारे में का सचित्र वर्णन, ओके, ये यहाँ तक आपका हो जाता है, ये पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें समझाया जा रहा है, ओके। इसके आगे आपको डायग्राम भी बना लेना है, ओके, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना, लेकिन इस प्रकार से आप नॉर्मल बना लीजिए कि आपका इस प्रकार से यहाँ से श्वसन से जा रहा है, ओके, इसमें श्वसन नली क्या है, नासा द्वार क्या है, ये आपको बेसिक बेसिक बता देना है, फंपोस क्या है, ओके, पसलियाँ किस प्रकार से दिख रही हैं, तो ये आपको बेसिक बेसिक आप डायग्राम बना जरूर बनाइएगा, अगर कहें मानव श्वसन तंत्र का तो ये आपका क्वेश्चन रहता है, ओके। तो इस प्रकार से आपका दिया, फिर इसके बाद कार्य दिए हुए हैं, 5 पॉइंटों के माध्यम से इस टॉपिक को समझाया गया है। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरे परिसंचरण तंत्र से क्या तात्पर्य है और इसका क्या महत्व है, ओके, और इसका नेक्स्ट है हमारा मानव वृक्ष की कोई 5 कार्य लिखिए। तो पहले हम देख ले दोहरे परिसंचरण के बारे में, तुम्हारा ये दिया हुआ दोहरा परिसंचरण क्या कहलाता है, ओके, तो इसे अच्छे तैयार के लिए समझ कर आपको तैयार करना है, क्योंकि इन चीज़ों को आप क्या रट नहीं सकते हैं, आपको समझना होगा। तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, ओके, इसे तैयार कर लीजिएगा पूरा, और ये आपका इस पर डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव रखे हुए 5 आपको कार्य देखने हैं, जैसे तो ये कार्य याद कर लीजिएगा, पहला है यूरिया, अतिरिक्त लवण, अतिरिक्त जल, अन्य वज्र पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना, विश्व औषधियों एवं विटामिन को बाहर निकालना, फिर आपका पराशरण नियमन का कार्य करना, शरीर का आंतरिक वातावरण एक सा बनाए रखना, ये 4 आपको दिए गए हैं मानव वृक्ष के कार्य, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कवर कर लिया 3 अंकी और 4 अंकी वाले महादोष, सभी क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया तैयार कर लीजिएगा, और पार्ट 1 वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें 2 अंकी वाले कवर हो गए हैं, वस्तुनिष्ठ कहते हैं तो अलग से आपको वो भी बता दूंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।